ईद के मौके पर छलका सपा नेता आजम खान का दर्द। विवादित बयान देने वाले आजम खान को दिखाई पड़ा राजनीति का निचला स्तर। आजम खान को आई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद। महिलाओं पर बार बार अमर्यादित टिप्पणी देने वाले नेताजी को याद आई मर्यादा। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान हर बार की तरह फिर बोले, हालांकि इस बार कुछ अलग बोले। अब तक कई मौकों पर अपने विवादित बोलों से सुर्खियां बटोरने वाले आजम खान इस बार कुछ परेशान और नाउम्मीद होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते नजर आए। इस बार ईद के मौके पर सपा विधायक आजम खान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्हें याद करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। आजम खान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। सपा विधायक ने मौजूदा बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। आजम खान ने कहा, आज राजनीति में मर्यादा खत्म हो चुकी है और संस्थाएं दम तोड़ चुकी है, उनका जायज नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। ईद के मौके पर छलका सपा नेता आजम खान का दर्द। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए आजम खान ने कहा, वो एक अच्छे आदमी और प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राजनीति में मर्यादा खत्म हो चुकी है और संस्थाएं दम तोड़ चुकी है। इस दौरान आजम खान ने गुजरात दंगों का भी जिक्र किया। अपने बयान में आजम खान ने आगे कहा, जो जीता वही सिकंदर, एक वोट से हारा या 1,00,000 वोट से हारा। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, वे देश के बहुत अच्छे आदमी और प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े डेमोक्रेटिक थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना इंटरनेशनल दौरा मंसूब कर दिया था। ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने जाऊंगा। आजम खान ने कहा, हमसे इतनी घृणा है और आप जानते हैं हम शराब की दुकान लूटने वाले हैं। अपनी बीवी और बेटे के साथ गल्ले से 16,900 लूटने वाले हैं। जिन सरकारों का ये स्तर हो जाए तो आपको सोचना चाहिए कि हम सब रडार पर है। कोई साहब इस गलतफहमी में ना रहे, जिनका कारोबार है कब ईडी वाले उनके यहाँ पहुँच जाए कोई नहीं जानता। आजम खान ने कहा, चौकन्ना रहिए और प्यार बांटते रहिए। 27 साल खान की ये पहली ईद थी जो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मनाई और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान का दर्द छलक पड़ा। आजम खान ने कहा, मौजूदा सरकार का जो स्तर है, आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब रडार पर हैं। कोई साहब गलतफहमी में बिल्कुल न रहें। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं।